दोस्तों, हमें मालूम है कि यूनियन बजट 2021 में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है रोड एंड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि 2021 में रोड एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कितना बजट दिया गया है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एसपी में। दोस्तों, सबसे पहले तो जो भारत माला परियोजना है, उस परियोजना के अंतर्गत 3.3 लाख करोड़ रुपीज दिए गए हैं 13,000 किलोमीटर लेंथ के रास्ते बनाने के लिए, जिसमें से 3,800 किलोमीटर के रास्ते हो चुके हैं पहला जो टप्पा था उसमें, और उसमें 5.35 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी दिया गया है। ये तो हो गई जरा सी जानकारी भारत माला परियोजना के बारे में। अब मेजर जो रहता है वो है नेशनल हाईवे। तो इस बार कई नेशनल हाईवे को फंड मिला है, जैसे पहला है 3,500 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे जो कि है तमिलनाडु का, और जिसे मिला है 1.03 लाख करोड़ की फंडिंग। दूसरा नेशनल हाईवे है 1,100 किलोमीटर का जो कि है केरला का, जिसे फंडिंग मिली है 65,000 करोड़ की। तीसरा नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे नहीं, ये सिर्फ एक हाईवे है 675 किलोमीटर का जो कि है वेस्ट बंगाल का, और इसे मिला है 25,000 करोड़ की फंडिंग। और जो लास्ट हाईवे है वो है 1,300 किलोमीटर का जो कि है आसाम में, और जिसे मिला है 34,000 करोड़ का फंड। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे को 1,18,101 करोड़ की फंडिंग मिली है, जिसमें से 1,23,000 करोड़ की जो फंडिंग है वो सिर्फ एक कैपिटल यूज करने के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।